हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ शूज़ बुनना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें 44 स्टिचेस डाल लेनी है। 44 स्टिचेस डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 44 स्टिचेस डाले हैं। अब हमने क्या करना है, पहली जो 20 सिलाई है वो हमने सीधी सीधी बुन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 20 सिलाई मतलब 10 रो बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो आगे वाले जो स्टिचेस हैं उनको हमने बंद कर लेना है और बाकी जो आधे बचेंगे उनको हमने बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ऊन के हिसाब से जो सिलाइयाँ ली हैं, इसलिए ये देखना होगा आपको कि 5 और 6 नंबर के लिए मैंने तो 44 स्टिचेस डाले हैं। अगर आपकी ऊन थोड़ी बारीक है उसके लिए आपको सिलाई भी बारीक लेनी होगी, तो इसलिए थोड़े स्टिचेस ज़्यादा डालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपने ऊन पतली लेनी हो 5 और 6 नंबर के, तो स्टिचेस थोड़े से ज़्यादा डाल लें। ये देख, हमने इसको एक करके ऐसे इसको बंद कर, जो आधे स्टिचेस हैं उनको हमने बंद कर लिया है। अब हमने जो आधे वाले हैं उनको उल्टा सीधा बुनना है। इसकी देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे हम। तो ऐसे ही हमने इसकी 14 सिलाइयाँ डाल देनी है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये 14 सिलाई हमने बुनकर रेडी कर ली है, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये 22 फंदे हमने यहाँ से घटाए थे, ऐसे ही हमने इधर को अब बढ़ाने हैं। ये देखिए कैसे बढ़ाने हैं हमने, यहाँ से पहला फंदा है, ये पहले फंदे को छोड़कर ऐसे उसमें से ऐसे करके ऐसे इसको इधर डाल देना। ये हमारा हो गया एक ऐसे, फिर हमने यहाँ से पहला फंदा छोड़कर उसके साथ में से ऐसे निकालना है, इसको फिर यहाँ पर करना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने इसको बढ़ाते चले जाना है, दोबारा उसकी 20 सिलाई बुनकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमने देखिए फ्रेंड्स, जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही बढ़ाकर आगे हमने फिर 10 रो इसकी बनानी है, वो भी हमने सीधी सीधी बनानी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदे यहाँ पर अब इतने जैसे कंप्लीट कर लिए हैं, बाद में आपको बताती हूँ। इसकी भी हमने 10 रो सीधी सीधी बुन लेनी है, मतलब 20 सिलाई सीधी सीधी डाल लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ऐसे हमने इसकी 10 सिलाई सीधी डालनी है। फ्रेंड्स, अब हमने ये अपनी जो 20 सिलाइयाँ थी वो इधर की तरह बुन के हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए ऐसा बनकर रेडी हुआ हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बंद कर देना है, 2 का 1 ऐसे करके हमने इसको बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा शूज है जो रेडी कर लिया है, अब हम इसको सिलेंगे। देखिए पहले हमने इसको आगे से सिलना है, इधर से आगे से। तो हमारा ये पार्ट है वाला, सेंटर वाला पार्ट है, इसकी जो हमने ये वाले फंदे हैं हमने इसको हर एक को उठाना है, ऐसे थोड़ा ऐसे खींच देना है, फिर हम इसको यहाँ से आगे से सिल देंगे ऐसे।
अब हमने इसका जो आगे वाला पार्ट है वो सिल दिया है। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट सिलेंगे। इसको नीचे से सिल देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इसके आगे से नीचे से भी सिल लिया है, आगे से भी, और हमने अब पीछे से सिलना है। उसके बाद हमारा शूज़ जो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शूज़ है जो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए ऐसे ऐसे इसकी शेप है, ऐसे। देखिए अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।